ये प्याज हमने छील के डाल दिए इसमें, और ये है टमाटर बीच से आधे आधे करके डाले, और है लहसुन, और मिर्ची भी डाली थी, ये हरी मिर्ची भी हमने इसमें फ्राई कर दी, अदरक प्याज लहसुन हरी मिर्च अभी हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। ये है सोया चाप, क्या क्या पड़ा इसमें? इसमें दही और चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, बस दही। ये हम मिक्सी के जार में डालेंगे, इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ये इसमें डाल दिए हमने प्याज, धनिया, मिर्च, अदरक, लहसुन, के हमारे टमाटर और फ्राई हो जाए, इसको भी डाल के इसका सबका पेस्ट बनाएंगे। ये टमाटर भी डाल दिए हमने, सब पानी डाल दिया। तेज पत्ते, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, चार लौंग, दो लाल मिर्च और चक्रफूल का चक्रफूल। ये सारे साबुत मसाले इसमें डाल देंगे। जीरा एक चम्मच, कश्मीरी मिर्च डालेंगे। ये पेस्ट बना के रखा था, ये डाल दिया मैंने। एक चम्मच लाल मिर्च डाल दें, धनिया पाउडर, अब फिर एक आलू पाउडर डाल दिया। ये जो चाप फ्राई करके रखा था दही और मसालों के साथ, ये हमने अभी डाल दिया इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो, ग्रेवी गाढ़ी चाहिए तो कम डालो, पतली चाहिए थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दो। नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, इसको हम ढक देंगे, अच्छे से खदक जाएगी, उसके बाद दिखाएंगे इसमें कैसी सब्ज़ी बनी। नमक भी डाल दिया, पहले डाल चुके थे थोड़ा, इसलिए अब की भी थोड़ा डाला है, तो हो जाएगा चटक तैयार। ये देखिए सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार, ये देखिए बहुत अच्छी बनी हुई है। एक बार ज़रूर आप लोग इस तरह से सोया चाप बना के खाइएगा और पूरे परिवार को खिलाइएगा। ये देखिए सब्ज़ी बनकर हो गई तैयार, हरा धनिया डाल दिया मैंने। देखिए, बाय बाय।